तो यहां पर आज पढ़ेंगे हदीस नंबर 6। हदीस नंबर 6 यानी 6 नंबर की हदीस, हमारी याद की हुई हदीसों में से छठे नंबर पर यह हदीस आ रही है। हदीस का हदीस क्या है अरबी में, इहफ़ लिसानक, इहफ़ लिसानक। हदीस नंबर 6, इहफ़ लिसानक, क्या पढ़ेंगे? सही से बैठो, इहफ़ लिसानक। तर्जुमा क्या है? अपनी जबान की हिफाजत करो। मतलब क्या है अपनी जबान की हिफाजत करने का? हाँ, जबान को उन चीजों से बचाओ जिन चीजों से अल्लाह ताला नाराज होते हैं, या अल्लाह ताला जिन चीजों से मना किया है उन चीजों से क्या करो, अपनी जबान को बचाओ। ये इसका माना होता है। यानी शिर्क नहीं बोलो, कुफ्र नहीं बोलो, चुगली नहीं करो, गीबत मत करो, किसी को चिढ़ाओ मत, या किसी का नाम मत निकालो, या किसी को बुरे नाम से ना पुकारो। ठीक है, जितने काम हो ना तो किसी पर झूठा इल्जाम लगाओ, ठीक है, ना किसी की बुराई करो। कि जितनी सारी बातें बताए ना, ना तो कुफ्र बोलो, ना तो शिर्क बोलो, यानी कुफ्र शिर्क वाली बात ना बोलो, ना झूठ बोलो, न किसी की चुगली करो, न किसी की गीबत करो, न किसी का इल्जाम लगाओ झूठा, और न किसी को बुरे अलकाब से पुकारो या बुलाओ। ये सब जबान से करता है आदमी। इन तमाम चीजों से जब हम जबान को बचाएंगे, इसी को कहते हैं जबान की हिफाजत करना। इसका ये माना नहीं जबान की बहुत हिफाजत करो, उसको जख्म होने से बचाओ, हाँ उसको कटने से बचाओ। ये तो आई, ये तो रहेगा ही, ये तो हर कोई करेगा, लेकिन ये कोई नहीं करता। ये माना है अपनी जबान की हिफाजत करो, अपनी जबान की हिफाजत करो। सही बुखारी हदीस नंबर 5376, छिहत्तर, हदीस नंबर 6, इहफ़ लिसानक, इहफ़ लिसानक। तर्जुमा, अपनी जुबान की हिफाजत करो, अपनी जुबान की हिफाजत करो, अपनी जुबान की हिफाजत करो। सही बुखारी हदीस नंबर 5376, दिमाग अब काम कर रहा है ना इतनी लंबी लंबी नंबरिंग याद करने पे। हाँ, तो मुश्किल मुश्किल चीज अभी याद करोगे तो कल हर चीज आसान हो जाएगी। हदीस नंबर 6, इहफ़ लिसानक। तर्जुमा, अपनी जुबान की हिफाजत करो, अपनी जुबान की हिफाजत करो, अपनी जुबान की हिफाजत करो। सही बुखारी हदीस नंबर 5376, हदीस नंबर 5376, हदीस नंबर 6, इहफ़ लिसानक,
احفظ لسانك احفظ لسانك ترجمة اپنی زبان کی حفاظت کرو اپنی زبان کی حفاظت کرو اپنی زبان کی حفاظت کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 5376 حدیث نمبر 5376 حدیث نمبر 5376 حدیث نمبر 6 احفظ لسانك احفظ لسانك احفظ لسانك احفظ احفظ لسانك احفظ لسانك ترجمه اپنی زبان کی حفاظت کرو اپنی زبان کی حفاظت کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 5376 حدیث نمبر 6 احفظ لسانك احفظ لسانك ترجمه اپنی زبان کی حفاظت کرو اپنی زبان کی حفاظت کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 5376 حدیث نمبر 5376